गुड मॉर्निंग क्लास 7, होप यू आर फाइन एट होम। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ योर साइंस बुक, सो प्लीज ओपन पेज नंबर 70, चैप्टर नंबर 6, हाउ थिंग्स चेंज। कैसे थिंग्स चेंज होती हैं, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल रिएक्शन और क्रिस्टलाइजेशन यू विल लर्न अबाउट। लेट्स सी, वी एवरी डे सी थिंग्स चेंजिंग ऑल राउंड अस। जो भी चेंज हम देखते हैं हमारी सराउंडिंग्स में, वो दिन प्रतिदिन चेंज होता है। In fact, most of things around us are changing all the time. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। Day changes into night, weather changes, seed changes to become plants, flower changes to become fruit, ice melt into water, iron changes into rust. Sugar dissolves in water, milk changes into curd, food gets spoiled, and many more things are done. Weather changes due to the heat of the sun. जो weather होता है वो कैसे change होता है, sun के heat से change होता है। अगर temperature ज़्यादा रहेगा तो ये change होगा, अगर कम रहेगा तो ये होगा, ठीक है। ये according किसके होता है, सन के थ्रू होता है। आइस मेल्ट ड्यू टू द मेल्टिंग टेम्परेचर, जो आइस होती है, बर्फ होती है, वो अपने मेल्टिंग टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। आयरन रस्ट ड्यू टू केमिकल चेंज, आयरन इसलिए चेंज क्योंकि वहाँ पे केमिकल चेंज होता है। इन द सेम वे एवरी चेंज हैज़ अ कॉज, कुछ भी चेंज होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई भी कॉज होता है। दीज कॉजेज कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन शेप, साइज, पोजिशन, कलर एंड स्टेट ऑफ द थिंग्स। उनके स्टेट पे, कलर पे, पोजिशन पे, शेप्स पे, ये सब कॉजेस हैं जिसकी वजह से चेंजेस टेक प्लेस करते हैं, उनमें चेंज होता है। सम ऑफ दीज चेंजेस कैन बी रिजर्व एंड कैन अदर कैन नॉट। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो पहले से हो रखे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें खुद पता नहीं होते कि कब चेंज जाएंगे और कब नहीं चेंज जाएंगे। सम ऑफ द चेंजेस प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस और अदर डू नॉट। कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं और कुछ ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। यहाँ देखिए आपकी बुक में एग्जांपल्स भी दिए हैं। डे चेंजेस इनटू नाइट, जो दिन है वो रात में चेंज होता ही होता है। आइस चेंजेस इनटू वाटर, जो आइस होती है, बर्फ होती है, वो पानी में चेंज हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। क्यों? टेम्परेचर की वजह से मेल्ट होती है। यहाँ पर देखिए आयरन है, ये चेंज होता है रस्ट में। यहाँ पे जो सीड है वो चेंज हो रहा है प्लांट में, एक प्लांट न्यू फॉर्म कर रहा है, ये नेचर का चेंज है। यहाँ पे देखिए आपकी बुक में एक्टिविटी वर्क भी दिया है, इसको आप लोग अपने घर पे इसको पढ़ के कर सकते हो। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज इज़ अ टेम्प्रेरी चेंज, ये कुछ समय के लिए होता है, टेम्प्रेरी होता है। इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। एंड द सब्सटेंस ओनली अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। ये चेंज किसकी वजह से होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? शेप्स हैं, साइज है, कलर है और स्टेट्स हैं, और जो
का अपीयरेंस होता है उसकी वजह से भी चेंजेस टेक प्लेस कर लेते हैं, वो भी कुछ टाइम के लिए, ठीक है, ये परमानेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए, टू डेमोंस्ट्रेट फिजिकल चेंज, जैसे आप लोग आइस क्यूब रखते हो, ठीक है, उसको फ्रीज कराते हो, ठीक, फिर उसको बाहर निकालते हो तो वो फिर अपनी स्टेट, सेम स्टेट में आ जाता है। यहाँ प्लास्टिक है, रबर है, या आप हेयर बैंड देखे हो, उसको आप स्ट्रेच करते हो फिर अनस्ट्रेच कर देते हो तो वो अपनी सेम पोजीशन पे आ जाता है, सेम स्ट्रक्चर पे आ जाता है। बलून भी है, उससे भी आप कर सकते हो। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, ठीक है। द चेंजेस कैन बी रिजर्व्ड ईजली, ओके। केमिकल चेंज क्या होता है, लेट्स सी। इट इज अ परमानेंट चेंज, वो परमानेंट चेंज होता है। सच चेंजेस इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। दस केमिकल चेंज इज अ परमानेंट इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हैविंग प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। ऑब्वियस सी बात है, आप जब कुछ चेंज होता है वो परमानेंट होता है, कभी कभी टेम्पररी होता है, उसको कहते हैं फिजिकल चेंज होना। और कुछ ऐसे होते हैं जो केमिकल चेंज होते हैं उनको कहते हैं परमानेंट होते हैं, उनको कहते हैं केमिकल चेंजेस। उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो पहले ओरिजिनल जो सब्सटेंस होता है उससे डिफर होती है, उससे अलग अलग होती है। यहाँ देखिए, आपकी एक्टिविटी नंबर 3 में भी दिया है, टू डेमोंस्ट्रेट केमिकल चेंजेस। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट होता है क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। द चेंज कैन नॉट बी रिजर्व, इनका जो चेंज होता है वो ज़रूरी नहीं है पहले जैसे था वैसे ही, वो अलग सा चेंज हो जाता है जब नया सब्सटेंस बनता है। हीट, लाइट और अदर रेडिएशन में भी प्रोड्यूस, जो हीट होती है, लाइट होती है और अदर रेडिएशन इसमें प्रोड्यूस की जाती है। साउंड में भी प्रोड्यूस, इसमें साउंड भी निकलता है, कभी कभी नहीं भी निकलता है, कभी कभी निकलता है। चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, इसमें स्मेल से भी टेक प्लेस होता है। चेंजेस इन कलर, कलर में भी चेंज हो जाता है। गैस में भी फॉर्म, जो गैस होती है वो भी फॉर्म हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसमें केमिकल चेंज का डिस्कशन किया गया है, ओके। रस्टिंग ऑफ आयरन आई विल टीच यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।